नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। स्कूल बंद करने को लेकर पटना जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर की। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक नया आदेश जारी किया है। अभी अभी आपको पटना जिलाधिकारी ने वो आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि 10वीं तक की कक्षा, जी हां, पहले 8वीं तक की कक्षा थी, अब 10वीं तक की कक्षा को बढ़ती ठंड को देखते हुए बंद करने का आदेश जारी किया है पटना जिलाधिकारी ने। ये मेरे हाथों में वो नोटिस की कॉपी है। क्या कुछ लिखा है इसमें मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। जिले में चल रही शीतलहर एवं अधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये जो जिलाधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया, इसमें ये बातें लिखी गई है कि बढ़ती ठंड के कारण से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिला दंडाधिकारी पटना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 1/1/2023 को विस्तारित करते हुए पटना जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 10वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए, गौर फरमाएंगे आप, 10वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूं। मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व 9 बजे से आपको दोपहर 3 बजे तक जारी रखी जा सकती है। इसमें एक ढील दी गई है कि आपको मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा से संबंधित जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो आपको सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक जारी रखी जा सकती है। यह आदेश दिनांक 3/1/2023 से दिनांक 7/1/2023 तक प्रभावी रहेगा। जी हाँ, ये 7 जनवरी तक, जो पहले आपको 8वीं कक्षा तक का जो कक्षाएं थी उसको बंद करने का आदेश दिया गया था, अब यह 10वीं कक्षा तक बंद करने का आदेश दिया गया और ये भी आपको 7 जनवरी तक बंद रहेंगे, यानी कि 8 जनवरी को संडे पड़ता है। अब जो स्कूल खुलने की बात कही जा रही है, यानी कि अब 9 जनवरी से खुलने की संभावना है, लेकिन वो भी ठंड को देखते हुए। फिर अगर अगर बढ़ती ठंड, अगर इसी तरीके से ठंड में बढ़ोतरी होती रहेगी तो निश्चित है कि फिर अगला आदेश आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 7 जनवरी तक 10वीं तक की कक्षा को बंद करने का आदेश दे दिया है डीएम ने। और ये आपको दिया गया है आपको SSP के नाम से, उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से, और सभी थानाध्यक्ष को भी कॉपी भेजी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो इस आदेश का अगर कोई अवहेलना करता है, कोई पालन नहीं करता है, तो संबंधित जो ये अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर सकती हैं। यानी कि एक बड़ी खबर, अब जो पटना जिले में 10वीं तक की कक्षा को सस्पेंड कर दिया गया है, अब ये कक्षाएं आपको 9 जनवरी से चलने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि 7 जनवरी तक बंद रहेंगे, 8 जनवरी को रविवार है, यानी कि 9 जनवरी से फिर से अगर इस प्रकार के ठंड नहीं रहे और तापमान में लगातार गिरावट नहीं दर्ज की गई तो फिर अगला आदेश आ सकता है। लेकिन फिलहाल यह आदेश आया है कि आपको 7 जनवरी तक आपको प्री नर्सरी से, यानी कि छोटे बच्चे से लेकर 10वीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। और यह अभी अभी नोटिस जारी हुई है। इसके पूर्व 8वीं तक की कक्षा को बंद किया गया था, अब यह 10वीं तक की कक्षा को बंद किया गया है। वाकई जो नए साल का आगाज जो आपको सर्द मौसम में हुआ और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कॉमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।